हे गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग को गुरुकुल स्टडी, जो कि टेलीग्राम का ग्रुप नेम है, ठीक है, तो गुरुकुल स्टडी, तो मैं उसी से रिलेटेड आज आपका क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पे सेकेंड में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैराथन क्लास है आपकी, आई थिंक 3 या 4 आवर हो सकेंगे होंगे, ठीक है। पहला कंप्यूटर का था, आप दूसरे में आप लोग आए हैं दूसरे वीडियो में। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के अलग एग्जाम ऑफ CHSL, CGL, MTS, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आपको टोटल 200 क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेन के साथ अच्छे से बता के आगे बढ़ते रहूँगा, ठीक है, विद आंसर। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी, तो पे लाइक जरूर करना, ठीक है, कॉमेंट भी एंड सब्सक्राइब करना, एंड फ्रेंड के बीच शेयर कर दें। तो चलिए गाइस, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है, अमेरिका में पूछ रहा है। अमेरिका में कहाँ पे, अटलांटा राज्य में या कैलिफोर्निया में, तो कैलिफोर्निया में, ठीक है। अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है ना, एक स्टेट है, अलग जैसे गाइज आपको इंडिया में है ना दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उसी प्रकार। यहाँ पर कुछ अच्छे से थाट्स हैं, ए चाइल्ड कैन टीच अस 3 थिंग्स, यानी एक बच्चा से आप 3 चीज़ सीख सकते हैं, कि ऑलवेज बी क्यूरियस, बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, फाइट टायर्सली फॉर वाट वी वांट। यानी कि पहला ये था कि हम लोग के अंदर हमेशा क्यूरियस होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के प्रति कुछ पूछना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बच्चा पूछता है ना, उस प्रकार हम लोग के अंदर होना चाहिए। बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, पूरा खुश होना चाहिए बिना कारण का, ठीक है। फाइट टायर्सली और फॉर वाट वी वांट, मान चलो कि हमको कुछ चाहिए तो उसके लिए बच्चा जिद करता है, हमें चाहिए, तो हम लोग भाई कुछ अपना सक्सेस चाहिए तो उसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी फैक्ट थी, एक मोटिवेशन रूप में जॉब किया मैंने, शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भूमध्य रेखा निम्न से किस देशों का निगुजरती है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तो मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ गाइज, हमारे इंडिया में, पश्चिम बंगाल में। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, यानी कि फ्रंटल वर्षा है, पर्वतों से वाष्पीय जल का संग्रहण या चक्रवाती गति से, तो चक्रवातीय गतिविधि से। पृथ्वी के समय पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी की जो नज़दीक में पाया जाता है ना वायुमंडल परत, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट गाइज, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग को महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, 30.35.6 या 29.2, तो 29.2%, यानी कि महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है, ओके। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर या 146.7 मिलियन किलोमीटर, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, ओके। एंड गाइज, मुझे लगता है ना कि मैं ऑप्शन को नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, ठीक है, ऐसे बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, तो चलिए डायरेक्ट हम आंसर बोलते हैं, और मुझे भी थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, काफ़ी लंबा वीडियो भी है लॉन्ग। सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग कहता है, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर, तो हाइग्रोमीटर। और बैरोमीटर का पता होगा वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल या बैंगनी, तो बैंगनी रंग का अधिक होता है, और कम बोलेगा तो लाल रंग का। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह परीक्षण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, यानी कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ को खोज करने वाला वह कौन सा देश है प्रथम, रूस या इटली, तो रूस। और रूस बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, राकेश शर्मा, मेजर यूरीगागरिन, तो मेजर यूरीगागरिन। और राकेश शर्मा कौन थे, आपको भारत में प्रथम पहुंचने वाले थे, ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम विश्व का देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और चंद्रमा पर मानव कौन गया था, पहला जो गया था नील आर्मस्ट्रांग, याद रखिएगा। मोह असमता स्थित है क्रस्ट एवं तथा मेंटल के बीच दोनों में, वह काल्पनिक है जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त कौन है, मेरियाना गर्त, जो कि आपको प्रशांत महासागर के पर पड़ती है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ती में। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन या वाष्प उत्सर्जन, तो श्वसन। श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकल जाता है, 40 या 20, तो 20%। जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप। समरूप अंग होते हैं, कार्य में समान, रचना में समान, तो कार्य में समान।
द ओरिजिन ऑफ स्पेस, ये बहुत बार पूछा है आपको सी एच एस एल में भी, द ओरिजिन ऑफ स्पेस नाम पर किसने लिखा है, तो डार्विन ने, ठीक है, जो कि आपका फुल नेम होता है चार्ल्स डार्विन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय जो कि आपको एक ही से दोबारा चीज़ बना सकते हैं उसी को नवीकरणीय बोलते हैं। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। पीएच मान का खोज किसने किया गया था, पीएच स्कूल का, तो सोरेनसन ने, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 1/2H2O। अगर CaSO4 × 2H2O बोलेगा ना गाइस, तो कैसा फॉर्मूला होता है, वो आपको होता है जिप्सम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन धातु होता है जो कि चमकीला होता है, बताइए। अधातु भी चमकीला में, तो आयोडीन होता है, ठीक है। अब ब्रोमीन ने ऑप्शन दिया गया, ब्रोमीन कब होगा, जब बोलेगा ना कौन सा अधातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है, तो ब्रोमीन, याद रखिएगा। और चमकी अधातु पर चमकीला होगा तो आयोडीन। आयोडीन का इंडिकेट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। बॉक्साइड किस धातु का आवश्यक है, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, तो एल्युमिनियम का होता है। बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम का होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना या तांबा, तो सोना। तन्य मतलब क्या, जिसको हम लोग पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, तो सोना होता है। नेक्स्ट है गाइज, कार्बन क्या है, धातु या धातु, तो अधातु है। आवर्त सारणी के उद्गत स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर के आवर्त, वर कहते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो हीलियम होता है। जैसा है गाइस, शून्य समूह जो होता है ना, वर्ग आपको 18 में रखा जाता है, ठीक है, उसमें उसकी संख्या 5 है। देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, सॉरी 6 होते हैं। और शून्य समूह को बोलते हैं हम लोग नोबेल धातु भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ओके, याद रखने की जरूरत है आप लोगों। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक या कुचालक, तो सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। नवजात शिशु को जन्म के कितने समय बाद DPT का टीका लगाया जाता है, 6 साल या 6 सप्ताह। नवजात पता है शिशु जो जन्म ही जल्द जल्द लिया है, उसको 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है। श्वसन किस प्रकार किया है, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, तो उष्मा छेपी है। देखिए, उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, और उष्मा छेपी में उष्मा का उत्सर्जन होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा या लाल, तो हरा होता है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, Fe2O3 या Fe3O4, तो Fe3O4 होता है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर, ओके। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम, नाइट्रोजन, तो आलू की चिप्स की थैली में आपको नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण वो फूला होता है, ठीक है। सिल्क क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत, सिल्वर क्लोराइड इसे भी श्वेत होता है, चांदी, पता है आप लोग को। नेक्स्ट है, CeO+H2CO+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, तो अपचयन कहलाएगा। पादप में पनहरित का निर्माण क्या होता है, तो कौन सा होता है, Mg, मैग्नीशियम। Fe मतलब गाइस आयरन होता है, जो कि इसका परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, सोडियम एल्युमिनियम, तो सोडियम। देखिए गाइस, चाकू से काटे वैसे 3 धातु है, ठीक है, आपको सोडियम होता है, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैलाकाइट का एक ऐसे खनिज है, मतलब मैलाकाइट किसका है, मर्क्यूरी का, कॉपर का, तो कॉपर का। कॉपर का क्यूपराइट भी होता है और मैलाकाइट भी होता है, ठीक है। कॉपर को हम लोग CU से इंडिकेट करते हैं, ओके। मानव आँख की रेटिना कैसे प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोलिफॉर्म जीवाणु में कौन कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, यकृत, आंत, तो आंत, कोलिफॉर्म जीवाणु। वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। यदि किसी कमरे में हरा बल्ब लगा हो तो लाल वस दिखाई देगा, भूरा बल्ब तो लाल वस दिखाई देगा। लाल वस मतलब किस तरह का दिखाई देगा, काले नीला, तो हरा में लाल चीज को रखेंगे मतलब काला दिखाई देगा। आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं शादी फंक्शन में जाओगे ना, देखोगे ना, तो हर चीज़ अलग अलग कलर दिखाई देता है ना, चाहे आपका आप ब्लैक पेन हो तो आपका वो जो लगेगा। सब्जियों में फलों को छीलने के बाद अधिक धोने से क्या होता है, यानी कि सब्जी फल को दोगे तो क्या नष्ट होता है, तो विटामिन सी नष्ट होता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण करना क्या कहलाता है, विसरण का कारण क्या है, तो धूलकण। वाष्प उत्सर्जन की दर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फोटोमीटर का। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, तो कपड़ा उद्योग। निम्न से किसे वर्गीकी का जनक कहते हैं,
लिनियस को वर्गीय क्या जनक। इस सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसका है, यानी कि सिस्टेमा नेचुरे जो लेखक का नाम क्या है, लिनियस। ठीक है, कैप्सूल का आवरण बनाता है क्या का, स्टार्च का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष पहली बार जानना किसे कहते हैं, तो वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई ना दे परंतु नज़दीक की वस्तुएं दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि में उल्टा होता है, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई दे पर निकट के ना, इसे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए उत्तल लेंस का, याद रखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाना पड़ता है, तो अवतल लेंस। गाइस आपके 57 क्वेश्चन में क्या है, टोटल आपको 200 हैं, तो चलिए कंटिन्यू बने रहें, एकदम हारना नहीं है, बस मेहनत करते रहना है और इस बार किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर देना है। जब देखो आप लोग अंदर से ये चीज़ को करोगे ना कि मुझे करना है, अंदर से जिद्दी बनना पड़ेगा तब मेहनत करना, नहीं मन लगेगा ना, जबरदस्ती मन लगाओ पढ़ो फिर धीरे धीरे आपको मन भी लगेगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी। हरियाणा कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, जाफरवादी या मुर्रा, तो मुर्रा। किस देश की स्थल सीमा सवादी देशों के साथ लगती है, चीन या अमेरिका, तो चीन। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण में, तो 7 मिनट 40 सेकेंड, कितना गई, 7 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोआखली स्थित है बांग्लादेश में, नोआखली। द्वितीय गोलेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो सरोजी नायडू। ठीक है, और वह कौन थे जो तीनों में भाग लिए थे, तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित किधर नाम से, तो ऋण आवेशित कण से बीटा किरण। मलेशिया में दिवाली को किस नाम जानता है, तो मलेशिया में दिवाली को, देखिए दिवाली का हर अलग अलग देश में कुछ कुछ कहीं मनाते हैं जो कि अलग नाम से, तो हरी दिवाली याद रखिएगा। अब बता दें जब हम पटाखा फोड़ते हैं ना तो किसी भी चीज़ में हरा रंग दिखाई देता है ना, तो हरा क्यों, तो बेरियम कारण। ठीक है, अब लाल आपको अस्टाफेंसियम कारण। विश्राम के समय सामान्यतः आवश्यक पुरुष औसत दर कितना होता है, यानी कि जब आप रेस्ट मुद्रा में, तो 15 से 18 बार। तो क्या हुआ, मतलब बोला ना कि विश्राम में सांस कितना लेते हैं, 15 से 18 बार। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनिन। देखिए यहाँ टेकोफ्रोल दिया था, विटामिन का विटामिन ई का होता है। अच्छा लगा, मैं बताता हूँ विटामिन खोज किसने किया, फंक ने किया। विटामिन ए का खोज मैकलन ने, विटामिन बी का भी खोज मैकलन ने, विटामिन सी का खोज हॉलकेट ने, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने। ठीक है, नहीं दिया बट अतिरिक्त मुझे जो नॉलेज है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफ्रोल, ठीक है पता हो गया। एंड विटामिन का खोज फंक ने बता दिया। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रिटिनॉल। विटामिन बी का क्या होता है, थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सिफ्रोल। विटामिन ई का टेकोफ्रोल। विटामिन के का फिलोक्विनोन, याद रखिएगा। ठीक है, जड़त्व का माप क्या कहलाता है, द्रव्यमान। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। पास्कल किसका होता है गाइस, दाब का। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, बताइए अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन। रेड क्रॉस के स्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूमेंट। और रेड क्रॉस की स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 8 मई, याद रखिएगा। और संस्थापक कौन थे, हेनरी डुनाइट। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है गाई, तो 4 वर्ष में। ठीक है, 5 नहीं 4 वर्ष, याद रखिएगा ओलंपिक खेल। खानवा और घाघरा का युद्ध कौन से मुगल शासन लड़ा था, तो बाबर लड़ा था। ठीक है, खानवा घाघरा का। पाली भाषा में निगंठा नटपुत किनको कहता है, तो महावीर को। ओके, सौर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु। तो सौर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। राजस्थान में कौन सा है गाइज, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जैसे किस नदी में निर्मित है, तो चंबल नदी। प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ, 1915 में। और गाइज मैं बता दूं कि 1870 में आपको जो रूस था, ठीक है, रूस युद्ध किया था। और आपको बता दूं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, और दूसरा का जो युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, ये सब इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर।
इनका नाम अलग है ठीक है ना, भीम अम्बेडकर नहीं है, कौन है, भीमराव रामजी अम्बेडकर, पाला विद्या नियामती। आई थिंक मुझे लगता है ना गाइज भीम अम्बेडकर ही ना थे, ठीक है मैं भी मिस्टेक किया हूँ, बात के पाला विद्या न्याय मंत्री तो वही थे, नहीं राइट है राइट है, न्याय मंत्री नहीं कानून मंत्री बोलता ना तो न्याय का मंत्री भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, ऐसा कौन सा जानवर जिसके पेट में दांत होता है, कभी सुने हैं पेट में दांत, केकड़ा, अलग है ना। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहता है, शाहजहां को। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, पटसन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, ये भी मुझे आपको कमेंट में बताएंगे। कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, भारत में गोल्डन फाइबर को मत बताइए, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर हल्का सा रॉन्ग कर दिया, भारत में गोल्डन फाइबर कौन सा है, ये दोनों मिक्सअप हो गए। तो कौन सा जो कि रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो आपको बरगद है जो कि 24 घंटा छोड़ता है। किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली में। करगम किस प्रदेश का नृत्य है, करगम कहाँ है कि तमिलनाडु का, ठीक है ओके, तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी होता है ओके, और करगम तमिलनाडु का। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल कब से लेकर कब तक था, 606 से 647 तक। और गाइज हर्षवर्धन के इस समय कौन आया था, चीनी यात्री फैयान आया था, याद रखिएगा। महाबलीपुरम को पैगोडा किनके द्वारा बनाए गए थे, तो पल्लव वंश के द्वारा। बिजली के बल में कौन सा गैस, तो आर्गन होता है। तहसीला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या है, गांधार किला। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट। नील नदी का स्रोत क्या था, लेक नासेर या लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया। राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमा है कौन कौन बताइए, मणिपुर से, तो मणिपुर से आपको नागालैंड असम मिजोरम, नागालैंड असम मिजोरम मणिपुर सब मतलब सब सेट। जैसे कि बिहार से कौन है, बिहार में आपको है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सब सटा हुआ है ठीक है। तो मणिपुर से कौन सा, नागालैंड असम, याद रखिएगा, मिजोरम मेघालय नहीं है ठीक है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्था है, तो उत्परिवर्तन का। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, इस्कीमिया ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए, 30%। गैम्बिट शब्द किसने संबंधित है, शतरंज से। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोल में समय में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो की संख्या कितनी होता है, 20 अमीनो अम्ल की संख्या ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं बताइए कौन है, अनिल बैजल ठीक है। खुरपा ताल झील भारत के किस राज्य में, देखिए एक चीज बता दो, जब भी ताल लगा हो लास्ट में, देताल खुरपा ताल या वो कोई भी बता हो, तो उस सब झील कहाँ होता है, उत्तराखंड में ठीक है। और जम्मू कश्मीर में आपको कौन सा झील लगाई, शेषनाग झील, जितना भी नाग वाला है शेषनाग ठीक है, सुपर आपको बुलर झील सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। गंधार की राजधानी कहाँ दी गई, तो तहसीला, तहसीला कहाँ है अभी, पाकिस्तान में ठीक है। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है, स्वच्छता से, हाइजीन विज्ञान ठीक है। देखिए भारत मूवर्स लिमिटेड किस राज्य में है, कर्नाटक में। रेल दुर्घटना कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा प्रथम रेल मंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपको भारत के प्रधानमंत्री बने थे ठीक है। आई थिंक ये तीसरे प्रधानमंत्री थे, पहले पे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे उनकी बेटी थी, और तीसरे पे लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में है, गोरखपुर, लेकिन अब चेंज हो गया है, पहल ई सॉरी भारत का पूछा तब सही है, गोरखपुर। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने कहा, आगरा नगर भारत की राजधानी कहा था, सिकंदर लोदी ठीक है। 1670 में शिवाजी ने अपने विख्यात विधिवत सिंहासन रोहन के पश्चात कौन सी पायदान की, छत्रपति। जब भारत को आज़ादी मिली उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, इटली, इटली याद है, इटली इटली नहीं इटली। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा ठीक है। नंद वंश का स्थापक कौन था, महापद्मनंद ठीक है। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, तो वीर सावरकर। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, अंडमान सेलुलर पर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। अंकलेश्वर गुजरात प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग टाइसन सबमरीन किस देश में, सोवियत संघ में। एन कंपनी लिमिटेड किस राज्य में है, तो आपको कोलकाता में। विल एंड एक्सल प्लांट किस राज्य में है, कर्नाटक में।
रेलवे का पितामह किसे बताता है? जॉर्ज स्टीफेंसन। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में। शिशुनांग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समय में वैशाली द्वितीय बहुत संगीतिक आयोजन किया? उसे काकवन के नाम से भी जानता है, तो कालाशोक। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी। हाइड स्पेस या अभितस्ता का आधुनिक झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? हाइडता तो सिकंदर पुरुष के बीच में। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध था? मगध के राजा अजातशत्रु का तो वैंजी यानी कि वैशाली में। यानी आप लोग देखना चाहते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं, ठीक है, 200 करीब पहुंचने वाले। अरे यार इसमें इतने लोग क्विज देते हैं, है ना, यहाँ पे अनस, पंकज कुमार, शुभम गुलजार, रितु चिरस, फर्स्ट एंकर, आप लोग भी क्विज दे सकते हो इसी प्रकार यदि आप लोग भी ऐड होना चाहते हैं, ठीक है। गुरुकुल स्टडी ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि मैं वीडियो डालता हूँ, तो बहुत सारे ग्रुप हैं। आपका उड़ान है, आपको SST है, एग्जाम क्रैकर है, फाइट, तो ये सब बहुत सारे ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप लोग जाइए, ऐड हुई, और इस पर टेस्ट आप लोग भी इन सब के दर दीजिए और एग्जाम को नजदीक क्लियर करिए। नेक्स्ट है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद से फारस साम्राज्य का विशाल राजनीति बनाया? तो डेरियस। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तसीला अवंतिका, तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा था? भाई छिपरा नदी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में अपने अधीन किया था? डेरियस साइरस, तो डेरियस था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का शासन चला था? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्या है? पठार भी है। वर्ष 1910 में सतारा में बहुवन समाज की स्थापना किसने की? मुकंद राज पाटिल, याद रखिए। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम देता था? तो सरकार, जिला को सरकार के नाम से, ठीक है, अभी हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसे, तो उसमें जिला को कहता था मुगल शासन में। भारत के द्वारा बनाया गया UAE का नाम क्या है? निशांत। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे ज्यादा बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो वामसात पाक्षिणी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज के कमांडो को हराया? मेजर बरो, ठीक है। नागरिक समता का आशय क्या होता है? कानून के समक्ष समता। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। यानी कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल जो है स्टेट जो कि भारत का राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्त है, बाकी सभी का कौन करता है? वहाँ पर प्रधानमंत्री करते हैं या आपको ये करते हैं मुख्य न्यायाधीश। सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा मकबरा वित्तीय दिल्ली का ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उड दौरान का मकबरा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाल लाजपत राय। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर लाई गई? पाटलिपुत्र। देखिए चीनी क्रांति 1911 में, ठीक है, और 1911 में भी और कुछ हुआ था ना, भारत की राजधानी नई दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है, कलकत्ता से हटा 1911 में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर लाई गई थी? पाटलिपुत्र में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का वेतन भाग किस निधि द्वारा निर्धारित किया है? तो संचित निधि द्वारा। और यदि बोलेगा ना राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो गाइस क्या बताएंगे? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा है? अधिकार है तो कौन सा अधिकार है? विधायी। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगर लोकसभा का बोलेगा ना तो राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है गाइज? तो राष्ट्रपति का संबंध आपका किससे होता है? 52 से, ठीक है, और 56 से आपको उपराष्ट्रपति का। और आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा आपको होता है अनुच्छेद 81 और 80 और 81 में। देखिए लोकसभा बड़ा होता है ना, इसलिए 81 याद करते हैं, टेक रखें, और छोटा आएगा तो हमारा राज्यसभा का 80। और लोकसभा में राष्ट्रपति रहता है और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति रहते हैं। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा का बदलने या क्रम करने का अधिकार किसे दिया गया? यानी कि कोई चीज कोई फांसी लेना था उसे रोकने का अधिकार है वो आपको हमारे राष्ट्रपति को है, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, याद रखिएगा। 2023 उपराष्ट्रपति के उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को बोलेगा तो आपको मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं ना भारत का, वही। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। अस्थायी बोला तो राज्यसभा, और अस्थायी बोलेगा तो लोकसभा।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? जो महाभियोग चलाया गया ना, आई थिंक ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे महाभियोग कितना अनुच्छेद में होता है, ठीक है? चलने का और किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से, ठीक है? अमेरिका से बहुत चीज़ ले गया है ना, मौलिक कर्तव्य भी अमेरिका से लिया गया है या मौलिक अधिकार। एक था रूस और एक अमेरिका था, और नीति निर्देशक जो तत्व आपको आयरलैंड से लिया गया है, ओके गाइज। और मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से, हो गया। हाँ, भारत का राष्ट्रपति में त्यागपत्र किसे करेगा? तो उपराष्ट्रपति को। न्यूनतम अवधि तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे बताइए? सबसे कम श्री वारगिरी वेंकट गिरी, याद रखिए खाली वेंकट गिरी से, ठीक है? सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति थे। संविधान उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से ही। उपराष्ट्रपति का भी अमेरिका से और राष्ट्रपति महाभियोग चलाने का भी अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए? तो सभी को पता है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति पद चुनाव संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है? भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है बताइए? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए या आपातकाल घोषणा कर? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं सकता है, हाँ आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी उसका कोई आयु सीमा नहीं होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के लिए। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का राष्ट्रपति, ओके। और न्यायपालिका कौन था? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब तक सर्वाधिक मत कौन सा जीता? तो KR नारायण। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में, ओके। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग प्रपात। ये देखें ना, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग तो मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोग प्रपात। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी सदन में। अब बताइएगा, अभी मैंने जस्ट बताया था ना महाभियोग कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से ही, ठीक है। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद अवधि के दौरान हो गई थी बताइए कौन थे? तो कृष्णकांत थे, कृष्णकांत। भारतीय संविधान के और प्रधानमंत्री में कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री का हो गया था कार्य के दौरान ही। भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में उपराष्ट्रपति का कौन सा क्रम होता है? तो दूसरा। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं? अनुच्छेद 67 में, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सा पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल समानुपातिक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, गोदावरी को हम लोग क्या कहते हैं गाइज? तो वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। माजली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजली, माजली जो कि असम में है, ओके। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को कौन से दर्रा पर कश्मीर घाटी जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा, ओके। और जो जिला दर्रा आपको कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ओके। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुँचाती है? तो गंगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश का। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलवान नहर जल कहाँ आता है? सतलुज नदी। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटर धब्बा क्या होता है? तो लैटेराइट निक्षेप। भारत में अलवन जल सबसे बड़ी झील कौन सी है? अलवन मतलब समझे समझे गाइस, मतलब मीठे पानी का, लवन मतलब वही नमकीन नहीं हो, अलग है, तो उलर झील। डल झील क्या है? खारे पानी का झील। और डल झील कहाँ है आपको? जम्मू कश्मीर। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया? केरल। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य? बिहार। उत्तर प्रदेश कौन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, ठीक है, पहला। दूसरा पर कौन है आपको? महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे राज्य है तो महाराष्ट्र। तीसरा आपको मध्य प्रदेश, ओके।
अराका नोयोमा प्रसार उस हिमालय है जो स्थित है म्यांमार में। वीव एक द्वीप है, तो ये कहाँ पे, गुजरात से हटकर। बाद के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसे आकार वाले मुगे का द्वीप समूह कौन है, मालदीव। मालदीव का राजधानी कहा गाइस माले, और लक्षद्वीप का राजधानी कावर्ती। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है। और बताइए गाइस महात्मा बुद्ध का क्या नाम था बचपन का, सिद्धार्थ, ओके। नेक्स्ट है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र। अलकनंदा किस नदी के तटीय पर स्थित है, तो बद्रीनाथ। और आप ऑप्शन अयोध्या, तो अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे बसा, याद रखेगा। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो पूर्वांचल। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, थार। सबसे बड़ा मरुस्थल भारत में कौन है, थार। और विश्व का पूछेगा तो सहारा। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया बताइए, 1975 में। कब, 1975 में। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनना पानी किस नदी के जल का स्रोत है, तो नुब्रा नदी। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य। धूमकेतु जो सूर्य के चारों ओर। भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो असम। भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो असम, याद रखिएगा असम। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ किसका एक बना होता है, लोहा का, ओके। एंड गाइस आपकी टोटल दो हो गए कंप्लीट। आप लोग भी क्विज में अटेंड करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। देखिए इसमें से 200 में से 161 शुभम कुमार लाए हैं, गुलनाज लाया है 116 लाया है, ठीक है। सिक्स थर्ड है आपको संतोष 83, और इस बार बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ दिए हैं, आप लोग भी देना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं, ओके। आप लोग के गिफ्ट हैं जो भी मिलते हैं। चलिए और भी है एक छोटा सा, 151 तक इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आप हमारा वीडियो भी अच्छा लगे तो पहले लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। एंड हमारे बैक साइड से जो भी बैकग्राउंड सॉन्ग आते हैं या बजते हैं उसके लिए सॉरी फॉर दैट, फॉर मिस्टेक। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कहाँ है, तो कराईकुड़ी। केंद्रीय कांच और मृतका अनुसंधान कहाँ है, कलकत्ता। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है, रुड़की। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, मैसूर। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, नासिक रोड पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली। भाव परमाणु संस्थान कहाँ कहाँ है, ट्रांबे। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून। भारतीय लॉ अनुसंधान रांची। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय, देहरादून। केंद्रीय आलू अनुसंधान, शिमला। केंद्रीय नारियल अनुसंधान, कासरगोड। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान, हैदराबाद। नेक्स्ट है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ है, तो भावनगर। भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है, तो जलगोड में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रांची। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून। भारतीय सर्वोच्च विभाग कहाँ है, देहरादून। केंद्रीय आलू अनुसंधान अभी जस्ट पढ़े, शिमला। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ है, तो कासरगोड में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, नागपुर में। उच्च अक्षांश संस्थान कहाँ है, गुलमर्ग में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। सख्त सनत का प्रारंभ किस सम्राट के साथ 78 में हुआ था, कनिष्क के। सर्वप्रथम भारत में विस्तृत संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राज्य में हुआ, शक राजर्ग में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, तो विम कडफिसस। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र सुंग के। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, खारवेल था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, चतुर्थ बहुसंग थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, वास्तुकला। तहसीला विश्वविद्यालय स्थित है, पाकिस्तान बताए थे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज, सातवाहन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ, 78 वर्ष हुआ, तो कनिष्क। कनिष्क के समय कौन थे गाइज, डॉक्टर आपको, तो उस टाइम थे, माइंड में तो याद नहीं रहा है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, गोंदोफिनर्स। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है, कानपुर में। केंद्रीय तंबाकू का, राजमुंद्री में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर में। भारतीय मौसम विभाग संस्थान, नई दिल्ली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, चेन्नई में।
केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान करकुडी में। निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाण वंश। ठीक है, मौनकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन, मतलब गलत है, तो कोची नहीं था मतलब बारबेकिन था। किस संग्रहालय में कुषाण काली मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? तो मथुरा संग्रहालय में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। मौर्य काल उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू नाई राज्य की स्थापना किया? इंडस ने। जो कि आपके 51 भी कंप्लीट हुए। ठीक है, देखते हैं आगे, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए क्या? क्या नहीं होना चाहिए? तो 30 वर्ष से कम ना हो, योग्यता नहीं होना चाहिए, यानी कि योग्यता नहीं है तो 29 वर्ष से कम ना हो। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति पूर्व ही भंग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद सलाहकार पर। राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल प्राप्त करने में पूर्व भंग कर देता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में? 2 बार। लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि दूसरी बैठक की प्रति तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल होना चाहिए? 6 माह। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1936 में। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किस होता है? लोकसभा से मांगे। लोकसभा संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कार्यकाल कितना वक्त मिलता है? 30,000। नेक्स्ट है, संसद के साथ में उपस्थित रहने और संसद समिति की बैठक में भाग लेने के लिए कितना दैनिक भत्ता? तो 1,000 रुपया। संसद के सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना मिलता है? 45,000। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में रहता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य जरूरत होती है? कुल 1/10 भाग। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित पर लोकसभा भेजता है? तो 7। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? दिल्ली। जहाँ तक लोकसभा प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे पर है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। निम्न 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा सबसे कम सदस्य है? हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? 11। बिहार में लोकसभा के लिए सीटों कुल संख्या 40। याद रखिए, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 11, बिहार में 40। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों के अपने सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। निम्न से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्य कुल संख्या कितनी है? 14। कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा में 13। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में किसके लिए स्थान आरक्षित है? उनमें सभी अनुसूचित जाति, सूचित आंग प्रतिवर्ग। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को प्रतिनिधि देने के लिए नामित करता है? एंग्लो एडियन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने गए जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने 7वां और 21वां? निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? मलकागिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? लक्षद्वीप। लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में, पता होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने स्वचित निर्वाचित क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 131। लोकसभा के एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितना जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख, यानी कि 5.5 लाख, 7.5 लाख। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रकार का होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा में राज्य सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है या किस निर्वाचन पर किस प्रथा रहेगा? 26 तक। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के सीमा निर्धारण पहली बार किस समय किया गया था? 1972। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन निर्धारित है 1971 की जनगणना पे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है? तो जनसंख्या पे। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों के क्षेत्र तहत मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 331। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। उपराष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय कितने प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। ओके गाइस, कुछ देर वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग तब तक रिविजन करें। एंड मैं जस्ट आया। 1 मिनट।